यूपी टीवी न्यूज पर फरुखाबाद से खबर लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं। खबर की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक यूपी टीवी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही यूपी टीवी न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबा दें जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। खबरों की दुनिया से आज हम एक स्पेशल खबर लेकर आपके सामने हाजिर हैं। कहते हैं जब सुधरने की उम्र थी उस समय तो हद से ज़्यादा बिगड़ गए। मजे मजे में ही रंगदारी से लेकर रंगबाजी तक और जानलेवा हमले से लेकर जान लेने तक का सफ़र कुछ ही महीनों में तय करने वाले हिस्ट्री सीटर लकी पाल अब अपना लक सुधारना चाहता है। उनसे पत्नी के साथ जाकर एसपी अशोक कुमार मीणा से भेंट की और कहा कि वह अब सुधरना चाहता है, लिहाजा पुलिस उसे परेशान ना करे। दरअसल 2014 के दौर में शहर कोतवाली के अंगूरी बाग निवासी एक युवा बदमाश कल्लू पाल ने अपना खासा आतंक और दहशत कायम कर रखी थी, लेकिन एक दिन उसने 26 अगस्त 2014 को जब पुलिस ने उसी के घर में घेराबंदी की तो खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। कल्लू के आत्महत्या कर लेने के बाद उसके परिवार ने लकी पाल की जगह शुरू कर दी। लोगों से रंगदारी लेना, उन्हें धमकाना और बात न मानने पर गोली चला देना लकी पाल का पेशा था। अपराध की दुनिया में अपना नाम ऊंचा करने की सोच लिए लकी पाल पुलिस की नज़र से फरार चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी लकी पाल ने शहर में मोहल्ला नरकसा निवासी दोस्त शिवम संखवार की 9 अगस्त 2016 की रात गोली मारकर आत्महत्या कर दी थी। 1 सितंबर 2020 को लकी पाल को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। उसके ऊपर हत्या, रंगदारी, जान से मारने का प्रयास समेत 16 मामले दर्ज हैं। लकी पुलिस की रिकॉर्ड में हिस्ट्री सीटर है और उसके ऊपर सन 2014 से 2019 तक के आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मंगलवार को अपनी पत्नी काजल के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और एसपी अशोक कुमार मीणा से गुहार लगाई। लकी पाल सीने पर एक तख्ती लगाकर पहुंचा और जिस पर लिखा था कि मैं लकी पाल हिस्ट्री सीटर हूं, मेरी सभी मुकदमों में जमानत हो चुकी है और मैंने शादी भी कर ली है, मैं अब सुधरना चाहता हूं, कृपया जान माल की राहत प्रदान करें। उसने कहा कि वह न्यायालय के मामलों के समय पर उपस्थित होगा और पुलिस जिस जगह बुलाएगी, चाहे थाना हो या कोतवाली हो, चौकी हो, वह हर जगह पुलिस के बुलाने पर उपस्थित होगा। आगे सुनिए लकी पाल की पत्नी ने और खुद लकी पाल ने मीडिया के सामने क्या कहा है। हम ये चाहते हैं कि पुलिस हमें परेशान ना करे। मतलब किस बात को लेकर परेशान? कोई भी बात होती है उसमें सब पुलिस या कोई भी सब ये कहते हैं कि हमने कराया है, हमने किया है, तो हमारा किस कहीं पर भी कोई गलती नहीं है। आपके ऊपर कुछ पुराने मुकदमे हैं? पुराने मुकदमे जी हैं। कब से कब तक के हैं? 14 से 19 तक के हैं। क्या क्या किन धाराओं में मुकदमे हैं? 302, 307 और रंगदारी यही मुकदमे हैं। अब क्या करना चाहते हो आप? हम सुधर के रहना चाहते हैं, हमने शादी कर ली है और अपनी पत्नी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो आपने कप्तान साहब के पास आए, उनसे आपने फरियाद की, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप बिल्कुल सुधर के रहिए और आगे चल के आपको कोई परेशान नहीं करेगा, कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है। कहाँ के रहने वाले हैं? अंगूरी बाग। आप आज यहाँ? क्या नाम है आपका? काजल। अच्छा, ये कौन है आपके हस्बैंड? क्या नाम है इनका? लकी पाल। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम राजपुर के। अच्छा, और ये आप इसमें ससुराल कहाँ है आपकी? अंगूरी बाग। अच्छा, आप यहाँ एसपी ऑफिस आई हैं, क्या बात हो गई है? एसपी ऑफिस इसलिए आए हैं क्योंकि आए दिन हमारे पति को परेशान करती है पुलिस। कहीं भी शहर में कोई भी कांड होता है, मेरे हस्बैंड का नाम आता है और हम मतलब इस चीज़ से दूर रहना चाहते हैं। हस्बैंड हमारे सुधरना चाहते हैं तो हम लोग बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं सभी चीज़ से। अच्छा, तो आज आप एसपी साहब से मिलने आए हैं, किस मतलब कोई फरियाद है, कोई मदद है? क्या फरियाद है आपकी? ये फरियाद है कि मेरे मतलब हस्बैंड को बिल्कुल इस चीज़ से आज़ाद होना है और हम लोगों का इस मतलब कोई क्राइम से कोई लेना देना नहीं है। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? लकी पाल। अच्छा, इन पर आपके पति पर कोई मुकदमे वगैरह पहले से? जी। तो क्या अभी मतलब कितने मुकदमे को जानकारी है? जी 16। अच्छा, तो अभी जेल वगैरह थे क्या? जी। कब छूटे हैं? ये छूटे हैं 23 तारीख को। अच्छा अच्छा, तो अभी हाल फिलहाल में क्या छूटने के बाद मतलब कितने दिन जेल में रहे थे? ये 20 महीना जेल में। अच्छा, पुलिस ने अभी हाल फिलहाल में परेशान किया क्या? जी। कब? अभी कोई चोरी हुई है उसमें इनका नाम आ रहा है, जब ये थे भी नहीं उसमें। ठीक।
एक लकी पाल करके हिस्ट्री शूटर है थाना फरुखाबाद का, जिस पर 16 मुकदमे विभिन्न धाराओं में जो दर्ज है, और ये वहाँ का हिस्ट्री शूटर भी है। अभी हाल ही में ये जेल से निकला है और लगातार लोकल थाने के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। आज ही अपनी पत्नी के साथ, जो कि इसकी नई शादी के लिए आया है, और इसने अपने आप को एक एफिडेविट दिया है, अब बोला है कि अब आज के बाद ये जुर्म नहीं करेगा और जन्म की दुनिया से पूरी तरीके से कट ऑफ करके रहेगा, और इस चीज़ का आश्वासन देके गया है। तो उसको सजेशन दिया गया है कि हाँ, वो अपराधों से दूर रहे और एक अच्छे व्यक्ति की तरह सोसाइटी में रहते हुए अपना जीवन यापन करे। अगर वो ऐसा करता है तो उसको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, और इसी के साथ उसको सारी चीज़ें समझाई गई। ऐसे अपराधी अब कई सरेंडर करने और पुलिस के सामने आके माफ़ी मांगते हैं, तो इनके लिए भी कोई पुलिस नई स्ट्रेटेजी बनाएगी, या इनको किस तरीके से अब इनको वॉच किया जाए? जो एचएस है, डेफिनेटली जो रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके हिसाब से उनकी मॉनिटरिंग तो कंटिन्यूसली रहेगी, लेकिन एक कोशिश रहेगी हमारे तरफ से कि अगर कोई अपराधी है, सुधरना चाह रहा है, तो उसको मौका दिया जाए, उनको एक तरीके से पुलिस का मुखबिर बनाया जाए, जिससे कि वो अन्य अपराधियों को पकड़वाने में हमारी सहायता करें, और इस तरीके से एक पहल शुरू की जाएगी जिससे कि इस तरह के जो अपराधी हैं उनको एक नया मौका दिया जाए, जिससे कि वो दोबारा से अपना काम करें।